our country is concerned about what the entire world is going through. Our Honorable Prime Minister has said to stay at home, be at home. If it is not important, it is not necessary, then do not go out. घर पर रहिए, आप लोगों के लिए beneficial होगा, सबके लिए होगा, पूरे nation के लिए होगा, जैसा माहौल बन गया है. आइए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्दर वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं. आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक करें, ग्रामर सेक्शन. अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंच सके. रूल. In any sentence, if arithmetic sums is used as a subject of the sentence, then it carries singular verb with itself. अगर किसी sentence में arithmetic sum का use होता है, arithmetic sum का मतलब math से related ये term है, उसमें addition, subtraction, इन सब तरह के जो शब्द use होते हैं, तो उसे कहते हैं arithmetic sum. उस तरह के शब्द जब use होते हैं किसी sentence में और वो subject के रूप में आते हैं, sentence के subject के रूप में आते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा सिंगुलर सेंटेंस के रूप में देखा जाएगा और वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब को कैरी करेगा. इन नॉर्मल लैंग्वेज वी कैन यूज आइदर वर्ब बट इन रिटन फॉर्म सिंगुलर वर्ब इज इफेक्टिव. अगर हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखते हैं तो वो कोई भी तरीके से हो सकता है, आइदर वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो. बट अगर हम रिटन फॉर्म की बात करते हैं, इट मीन्स कि अगर हम ग्रामर लिटरेचर की बात करते हैं, तब ये इफेक्टिव होगा कि हम इसे एज अ सिंगुलर टर्म ही यूज करें. फॉर एग्जांपल, टू एंड टू मेक्स फोर. टू एंड टू अरिथमेटिक है एंड यहाँ पर सम का काम करता है, तो ये कंप्लीट बना अरिथमेटिक सम, इसी को कहते हैं अरिथमेटिक सम. टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो मिलकर चार होते हैं. फाइव एंड फाइव मेक्स टेन, पांच और पांच मिलके दस होते हैं, तो ये एक एडिशन है, जोड़ है. तो यहाँ पर मेक्स यूज हुआ है. मेक्स बताता है कि ये सेंटेंस सिंगुलर है. अगर यहाँ मेक यूज होता तो ये सेंटेंस एज अ प्लूरल कंसीडर किया जाता, तो ये रूल फॉलो नहीं करते. तो टू एंड टू अरिथमेटिक सम है और ये मेक्स लिख रहा है अपने साथ, इट मीन्स कि ये सिंगुलर सेंटेंस के रूप में पढ़ा जाएगा. ये था फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल. In any sentence, if a given format is given, if a given format is like that, अगर given format इस तरह से है, वो क्या है? An plus singular countable noun plus of plus plural noun. ये एक format दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा. An है, कोई article है, उसके बाद कोई singular countable noun है, वो of से conjunct हो रहा है, of conjunction का काम कर रहा है यहाँ पर. सॉरी, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्लस प्लूरल नाउन, यहाँ पे प्लूरल नाउन है. इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और वो सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. इस बात को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इस चीज को समझिए कि वो सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट है. अगर ये सेंटेंस के बीच में कहीं रैंडमली लिखा जाता है तो उस पर सेंटेंस डिटरमाइंड नहीं होगा. इसीलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर वो आता है उस पर वर्ब डिपेंड करता है. Then the sentence is considered as a singular sentence. तब ये sentence as a singular sentence देखा जाएगा. For example, a team of players has not arrived till now. A यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया article के तौर पे आया है. Team यहाँ पर singular countable noun है. Of आया है, फिर players आया है. तो यहाँ पर देखिए of और फिर plural noun है. Plural noun है. तो यहाँ पर players plural noun है. Has लगा है. Has determined करता है कि ये sentence singular है. अगर यहाँ have होता तो ये sentence plural होता. A team of players ये complete format को fulfill कर रहा है. Has not arrived till now. इससे पता चलता है कि ये sentence singular के रूप में पढ़ा जाता है. अगर यहाँ have होता तो sentence plural होता, तो ये rule समप नहीं होते. तो ये सेकेंड रूल था. आप इसे जरूर ध्यान से देखिएगा. एक एक रूल्स इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो भी वीडियोस होंगे वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होंगे इन टर्म्स ऑफ जो भी टफ होते जाएगा वो. इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा. रूल थर्ड. इन एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में, इफ सम स्पेशल वर्ड्स, कोई स्पेशल वर्ड यूज हुआ है, लाइक सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस. सीजर्स का मतलब कैंची, टोंग्स का मतलब वो जो खाना बनाने में चिमटा यूज होता है, या फिर मेडिसिनल टर्म में भी जो यूज होते हैं उसको कहते हैं, जिसके टू साइड्स होते हैं,
स्पेक्टिकल्स चश्मा, ग्लासेस ग्लेयर्स सेट्स या फिर चश्मा जिसको कहते हैं वो भी है। अगर वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है देन इट कैरीज प्लूरल वर्ब विथ इटसेल्फ। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो ये प्लूरल वर्ब अपने साथ लेगा। दिस वर्ड्स हैव मीनिंग दैट दे हैव टू पार्ट्स। इस सेंटेंस में ऐसा क्या है कि ये प्लूरल लेगा? इस सेंटेंस में ऐसा है कि उसके दो पार्ट्स होते हैं। सीजर के दो पार्ट्स होते हैं मल्टीप्लाइड के तौर पे, टोंग्स के होते हैं, स्पेक्टिकल्स के दो हैंडल होते हैं, ग्लासेस के होते हैं दो हैंडल्स। तो इससे डिटरमाइंड होता है कि ये सेंटेंस एज अ प्लूरल कैरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, योर स्पेक्टिकल्स हैव नाइसली फ्रेम्ड। आपके जो चश्मे हैं वो बहुत खूबसूरती से फ्रेम किए हुए हैं। तो यहाँ पर स्पेक्टिकल्स बताता है कि उसके दो हैंडल्स हैं, इसलिए यहाँ हैव लगा है। हैव का मतलब प्लूरल है। अगर यहाँ हैज होता तो हम लोगों को पता चलता कि यह सिंगुलर है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सीजर्स हैव बीन ब्रोकन। सीजर्स के साथ यहाँ हैव लगा है, ध्यान दीजिएगा। इस हैव से पता चलता है कि सीजर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही कैरी होते हैं फॉर अ जनरल सेंटेंस, नॉट एन एक्सेप्शन। तो सीजर्स के साथ हैव लगा है, इट मीन्स कि ये प्लूरल सेंटेंस है। लास्ट रूल फॉर दिस वीडियो, इन एनी सेंटेंस इफ सम वर्ड्स एंड विद एस। अगर कोई जनरल सेंटेंस में कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो एस के साथ खत्म होते हैं, व्हेन इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और सबसे बड़ी बात कि वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में पढ़े जाते हैं, देन द सेंटेंस इज कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर सेंटेंस। तो वो सेंटेंस हमारा सिंगुलर सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ गेम्स डार्ट्स बाउल्स, नेम ऑफ डिजीजेस मम्स मिशल्स, ये कुछ गेम्स के नाम है, ये डिजीज के नाम है, कंट्रीज के नाम है, ये अपने बाद एस रखे हैं। जैसे मिसेल्स में आप देखेंगे यहाँ एस है, बाउल्स डार्ट्स मम्स ये अपने साथ एस रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एज अ सिंगुलर सेंटेंस ही कंसीडर होते हैं। नेम ऑफ कंट्रीज द ईस्ट इंडीज द वेस्ट इंडीज द यूनाइटेड स्टेट्स द यूनाइटेड नेशंस। नेम ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स सिविक्स फिजिक्स मैथमेटिक्स। जैसे कोई कहता है इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो फिजिक्स के साथ आर नहीं लगता, इकोनॉमिक्स के साथ आर नहीं लगता। हाँ, इसके बावजूद भी कि अपने बाद एस रखता है, लेकिन ये अपने वर्ड में ही एस रखता है, इससे ये नहीं कि ये सेंटेंस प्लूरल कंसीडर होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। कोई प्रॉब्लम आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस के टाइम स्लॉट पता रहे, जब वीडियो अपलोड हो आप लोगों को पहुंच जाए, सूचना मिल जाए। थैंक यू सो मच।